रही है ये जमीन, कह रहा है आसमान, कह रही है ये जमीन, कह रहा है आसमां, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां। किस लिए घबरा रहा है देख कर वीरानियां, तेरे दम से बन गई है सारी दुनिया गुलशिता, है जहां तेरे लिए है जहाँ तेरे लिए, तू है इसका पासबां, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां। हमने तेरी जिंदगी से हर खुशी को छीन ले, है वो इल्ज़ाम मौत से जो जिंदगी को छीन ले, जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में आएंगे लाखों इम्तहान, रुक नहीं सकता कहीं कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां। घूमते हैं राह में गाड़ी के पहिए जिस तरह, घूमते हैं राह में गाड़ी के पहिए जिस तरह, आदमी की जिंदगी भी चल रही है इस तरह, चलती रहेगी ये जमीन, चलता रहेगा आसमां, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां। चिलचिलाती धूप है या मौत का सामान है, चिलचिलाती धूप है या मौत का सामान है, प्यास की तकलीफ से अब कोलबों पे जान है, चल रहा है दिल मगर ये चल रहा है कारवां, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का ठीक है चाचा, माल पानी के लिए मौका अच्छा है। हाँ चाचा, मौका अच्छा है। अच्छा तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। लेकिन चाचा खाली हाथ ना आना। हाँ चाचा, खाली हाथ ना आना। कोई है, कोई है? Wee!
जरा मेरी बच्ची को डस लिया, मेरी लाडली यास्मीना। फिक्र ना करो, बच्ची मरेगी नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं वक्त पे आ गया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। नाना शुक्रिया, खुदा तुम्हें इसका अजर दे। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? मुझे पानी की जरूरत थी, बस पानी की तलाशी मुझे यहाँ तक ले आई। पानी के लिए नहीं, खुदा ने तुम्हें मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए यहाँ भेजा था। बैठो, अब खाना खा के जाना। नौकर कहाँ गए? फातिमा कहाँ है? ओह, शायद पानी के लिए गए हों। फातिमा, फातिमा, मौका अच्छा है। हाँ, मौका अच्छा है। यही मौका है, यही मौका है। ओ फातिमा, जैसा हो जाएगा, देखा जाएगा।
रही हो? अबे छुड़ाने के बच्चे भाग, और लड़ने का मजा लेने दे। ये बात है। अबे बाजी तो अब जमेगी। चलो यास्मीना। बदमाश हो गया, तू हमेशा लड़ता रहता है। चाचा तुम उनको कुछ नहीं बोलते, मुझ पर ही गुस्सा करते हो। मैं जानता हूँ पहले तूने शरारत की होगी। ये मुझे चिढ़ाती है। चिढ़ाती है? आपसे मुझे गिराया और अब खुद ही रोता है। अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें लड़ते झगड़ते ना देखूं। चलो नमाज का वक्त हो गया। देखा बचा लिया मैंने, नहीं तो पड़ती थी। जा, बताऊंगा तुझे। चलो सलीम चले, अब हम इससे कभी बात नहीं करेंगे। भाइयों, भाइयों, सुनो, सरदार बुलाते हैं, जल्दी आओ, चलो। चलो भाई चलो, सरदार बुला रहे हैं। हाँ भाइयों चलो। अरे भाई चलो जल्दी, सरदार बुला रहे हैं। आता हूँ। अब्दुल्ला क्या करता है, सुनता नहीं सरदार बुला रहे हैं। आई शोखियाँ बचपन की चोरी की निशानी बन गई, आदतों में ढलते ढलते जिंदगानी बन गई। जिंदगी की शक्ल सूरत में जवानी बन गई, नौजवान होकर बंजारन की कहानी बन गई। Thank you.
अरे मेरा बटुआ, बटुआ मेरा, अरे 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 गुड़ी गई है, अरे मेरा हाथ पहिया करन का काम है, हाँ पहिया करन का काम है, माफ करना माफ करना माफ करना, जरा देख के चलते जाओ, दूसरा कुछ नहीं, बूढ़ा आदमी है। मेरा हाथ, अरे मेरी थैली, अरे मेरे दीनार, अरे मेरा बटुआ चोरी गया, अरे मेरा हाथ चोरी गया, सिपाही सिपाही, अरे यहाँ चोर जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। कहीं होंगे।
आलम पनाह ने मुझे याद फरमाया, गुलाम हाजिर है। परवरदिगार तू मुझे इतनी जिंदगी और दे कि मैं शहजादी की शादी देख सकूं। इतना मायूस ना हो आलीजा, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। आलम पनाह, अल्लाह के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। वजीर आजम, उस बंजारन का क्या हुआ? हमारी ख्वाहिश है कि शाही मेहमानों के आने से पहले उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। आलीजा, मैं बहुत जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा। एक औरत ने तमाम हुकूमत में हंगामा मचा रखा है और तुम उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। आप इत्मीनान रखें, हम बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जी हाँ हुजूर, इल्मे नजूम भी यही कहता है। तुम्हारा इल्मे नजूम गलत है। वजीर आजम, उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान कर दिया जाए। नहीं नहीं शहजादी, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लीजिए, अभी आपकी शादी नहीं हो सकती। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, फिर तुम ये किस तरह कह रही हो कि ये शादी अभी नहीं हो सकती? भोली शहजादी, तुम्हारी जिंदगी नाकामियों के तूफान से टकरा रही है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरत नौजवान आने वाला है, जिसे तुम अपना सब कुछ समझ बैठोगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन वो आने वाला खूबसूरत नौजवान कौन है? कहाँ का शहजादा है? नहीं, वो एक मामूली आदमी है। एक मामूली आदमी? ये कैसे हो सकता है? तकदीर शहजादी, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मामूली आदमी? कौन होगा वो मामूली आदमी?
अल्लाह मुझ गुनहगार को माफ कर। चचा क्या बात है, आज यास्मीना की सालगिरह है, क्या ये खुशी के आंसू हैं? हां बेटा, आज का दिन हम सबके लिए खुशी और मसर्रत का दिन है, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं, मैं ये आंसू यास्मीना के पैदा करने वालों की याद में बहा रहा हूं, ना जाने वो कहां होंगे। अल्लाह तू बख्शने वाला है, रहम कर, मैं तड़पते हुए दिलों को रुलाने और सताने के गुनाहों की तुझसे माफी चाहता हूं। चचा आपने तो कहा था कि यास्मीना के मां बाप मर चुके। खुदा ना करे। सलीम, आज से कई साल पहले जबकि यास्मीना बच्ची थी, मैं उसे उठा लाया। चचा आप यास्मीना से साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपके दिल का बार हल्का हो जाए? नहीं नहीं बेटा, ये सब यास्मीना से कहकर मैं उसकी खुशियां तबाह करना नहीं चाहता। अगर ये सब उसको मालूम हो गया तो वो मुझे नफरत और हिकारत की निगाहों से देखेगी। बेटा ये सब उससे कुछ ना कहना। समझी। कहीं खलीफा का खजाना साफ करने की बातचीत तो नहीं हो रही?
क्या तय हुआ? मैं भी तो सुनो। न जाने आज मुझे इतनी खुशी क्यों है। अब्बा जान, तुम भी आज खुश हो ना? हाँ बेटी, मुझे खुशी क्यों ना होगी। आज तो तुम्हारी सालगिरह की खुशी में जन्नत की हूरें भी नाच रही होंगी। और इसी खुशी में खलीफा का खजाना भी तोहफा बनकर बहुत जल्द हमारे हाथ आ जाएगा। है ना सलीम? चलो। माफ करना, क्यों बेटा कासिम, क्या बात है? चचा, चचा मैं यास्मीना से प्यार करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बेटा कासिम, तुम यास्मीना से प्यार करते हो ठीक है, लेकिन बेटा उससे शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं अगर जिस्म हूं तो यास्मीना रूह है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इतने जज्बाती ना बनो बेटा। थोड़े दिनों के बाद शहजादी शादी करने वाली है। खुदा जाने वो किससे पसंद करेगी। शहजादी होना कितनी बड़ी बात है सलीम। ठीक है, लेकिन खानाबदोशों की जिंदगी शहजादी और शहजादों से बढ़कर होती है यास्मीना। हम आजाद हैं जंगल के परिंदों की तरह। तुम ठीक कहते हो सलीम, कोई हम जैसा खुश नहीं। देखो चांद कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। चांद इधर नहीं उधर है, वो देखो। देख तो रहा हूं, मेरा चांद तो तुम हो यास्मीना। ये क्या शरारत है, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज चांद बहुत खूबसूरत है ना, उसी को देख रही थी। और क्या कर रही थी? तू जाती है कि नहीं? जाती तो हूँ, तुमने खुद ही तो पूछा था क्या कर रही हो। जो काम मैं कर रही हूँ खत्म हो जाए तो चली जाऊंगी। क्या कह रही थी मैं? तौबा, खाम खा बीच में टोक कर मुझे बुला दिया, याद भी तो नहीं आता। याद आ गया, आज चांद कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। चांद इधर नहीं उधर है, उधर। देख तो रहा हूँ, मेरा चांद तो तुम हो यास्मीना। तू जाती है कि नहीं? अब्बा, अब्बा, तुम्हारा कुर्ता कहाँ है? गजब हो गया, अब तो सब कुछ सुन लिया होगा चाचा, अब क्या हुआ? यहाँ है बेटी, ये रहा। मैं तो तलाश करते करते थक गई। लाओ मैं इसे धो लाऊं। लाओ माँ मैं इसे धो लाऊं। नहीं नहीं बेटी, रहने दे, अभी तो दो दिन हुए हैं धोए हुए, बहुत मैला हो गया है। बस दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अच्छा है, सलीम को आराम मिलेगा। और तुम भी तो एक दिन। नहीं नहीं जजी,
अरे जाने मन अब्दुल्ला जाने मन, वाह वाह वाह, और नूर हो चश्मा ने मन, कुर्बान जाए कुर्बान, एक घड़ी मेहमान मन, गर्मा गर्म मालिश, ये नरमा नरम मालिश, ये सर फोर मालिश, ये सर टोर मालिश। क्या कही है, क्या कही है? हाँ, मेरा बाप भी हजाम था। सुनिए, दिल में दुनिया के हसीनों की मैं चाहत भर दूं, दिल में दुनिया के हसीनों की मैं चाहत भर दूं, एक ही हाथ में तुम सब की हजामत कर दूं। ये बात है तो सुनो। हाँ, जो एक बार सर की मैं मालिश बना दूं, तो सोई हुई फिर जवानी जगा दूं। तो फिर मैं भी कुछ बना दूं, मूछ और दाढ़ी मैं ऐसी बना दूं, मूछ और दाढ़ी मैं ऐसी बना दूं, तुम्हारी जवानों में गिनती करा दूं। बगदाद के बाशिंदों सुनो, मैं खलीफा के हुक्म से यह ऐलान करता हूं कि जो बस्र उस बंजारन को गिरफ्तार कराएगा और उसके रहने का ठिकाना बताएगा, उसको 5000 दीनार का इनाम दिया जाएगा। अरे अरे भागो भागो, अरे अरे अज्जम, दाढ़ी बनाते बनाते कहाँ भाग गया? अरे मारे साला कहाँ भाग गया? आजकल बहुत काम करती हो यास्मीना, जिंदगी इसी का नाम है। मेरी जिंदगी तो तुम हो यास्मीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ कासिम, मगर अपना भाई समझकर। नहीं नहीं यास्मीना, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें अपना। पागल ना बनो कासिम, यास्मीना सिर्फ सलीम को चाहती है। अच्छा यास्मीना, यास्मीना, क्या बात है? अरे कहाँ मर गई तू? कहाँ है यास्मीना? अरे कहाँ है, कहाँ है, क्या हो गया बजान? अरे हुआ क्या, खलीफा के सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। ओ, मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, सुना आपा? हाँ हाँ हाँ, हमने अपने कानों से देखा और आँखों से सुना। आँखों से सुना? अरे तोबा तोबा तोबा, आँखों से देखा और कानों से सुना, समझी? अरे सुना ही नहीं बल्कि देखा, और देखते ही गधे को सर पर रखकर भाग कर आ रहे हैं। आई बता बता। अरे नहीं नहीं, बुर्गा बुर्गा बुर्गा, अपने पैरों को सर पर रखकर भाग कर आ रहे हैं। हाँ बच्ची, बुरा वक्त कह के नहीं आता। हाँ बेटी, अब तुम्हें डर के रहना चाहिए। डर कर रहना चाहिए उन लोगों से? क्या? अरे खलीफा ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5000 दिनार इनाम देने का ऐलान करवा दिया है जी। चलो चलो, बिस्तर बांधो, बिस्तर बांधो, बिस्तर बांधो। इसे मजाक मत समझो यास्मीना, हो सकता है तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान किया हो। नहीं नहीं भैया, सलीम तुम्हें भाई की तरह चाहता है। भाई की तरह चाहता है? उसने मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है, मैं उसे छोड़ दूं? पागल लड़की, अगर तू न होती तो अब तक मैंने सलीम की जिंदगी का खात्मा कर दिया होता। मैं जानता हूँ कि तू भी उससे मोहब्बत करती है, उसने तेरी ही जिंदगी को रोक नहीं लगाया,
बल्कि मेरे रास्ते में भी दीवार बनकर खड़ा है। मगर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दीवार को अपने रास्ते से हटा दूंगा। अगर सलीम से कोई प्यार करे तो इसमें उसका क्या कसूर? ये मेरे दिल से पूछो, अब इंतकाम लेने का अच्छा मौका है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ये अल्फाज जुबान पर लाना भी गुनाह है। अगर चाचा को मालूम हो गया तो वो क्या कहेंगे? क्या हसद और गुस्से ने तुम्हें इस कदर दीवाना बना दिया है कि तुम अपना फर्ज भी भूले जा रहे हो? चुप रहे, मुझे दुनिया से क्या मतलब। पहले मैं सलीम से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब यास्मीना को भी मेरे इंतकाम की आग में जलना होगा, और साथ ही साथ 5,000 दीनार भी मेरी जेब में आ जाए। नहीं नहीं भैया, चल हट। भैया 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 सलीम सलीम, क्या हुआ? कहीं सालन तो नहीं जल गया आज? सलीम मजाक छोड़ो, क्या हो गया सलीम? होगा क्या सलीम, आज मैं कैसी लगती हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, आज मेरी बकरी ने दूध नहीं दिया, आज मेरा सालन पसंद आया क्या सलीम, आज मेरा सालन जल गया, इसके सिवा बोलूंगी क्या? क्यों चिढ़ाते हो इससे? अच्छा जी, मैं इससे चिढ़ाता हूँ, खुद ही पूछ लीजिए। यहाँ से भाग चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। तुझे क्या हो गया, साफ साफ क्यों नहीं कहती? कासिम भाई, तुम्हें और सलीम को गिरफ्तार कराने के लिए 5,000 दिनार के लालच में खलीफा के पास गए हैं। ये नामुमकिन है, कासिम ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं सच कहती हूँ सलीम, रात वो बहुत गुस्से में था, सुबह एकाएक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो जा रहा था, मैंने उसका पीछा किया। हो सकता है सलीम, दो तीन दिन से कासिम अजीब अजीब बातें कर रहा था। अगर ये सच है हमें जल्द इसके लिए कुछ करना चाहिए। यास्मीना, तुम इन सबको लेकर गार में चली जाओ। अगर हम तुम्हें 5,000 के बदले 10,000 दिनार दें तो क्या तुम उस बंजारन के सब साथियों को गिरफ्तार करा दोगे? जी जी हाँ, जरूर। बहुत खूब, आओ मेरे साथ। आलीजा, गुलाम सच अर्ज कर रहा है, उनका ठिकाना पहाड़ के एक पोशीदा गार में है। वजीर आजम, सिपाहियों को साथ लेकर इसके बताए हुए ठिकाने पर जाओ और इसे भी गिरफ्तार कर लो। अगर इसकी सब बातें बताई हुई सच हों,
तो इसे 5,000 के बजाय 10,000 दीनार देना, और अगर गलत साबित हो तो इसका सर कलम कर देना। आलीजा, गुलाम बिल्कुल सच अर्ज कर रहा है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं खुद उनका ठिकाना बताने के लिए वजीर आजम के साथ जाऊं। नहीं, गिरफ्तार कर लो इसे। ये कैसा शोर है? बंजारन, आलीजा, आलीजा, बंजारन और उसके साथी हमारे सिपाहियों से लड़ रहे हैं। क्या कहा? बगदाद की बंजारन हमारे महल में? मकार, तू हमें धोखा देने आया था? मुझे तेरे पर पहले ही शक था। आलीजा, मैं सच अर्ज कर रहा हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। ले जाओ इसे, और सूरज निकलने से पहले इसका सर कलम कर दो। मैं नहीं, नहीं, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। मारे जाएंगे चाची, अब मैं क्या करूं? उसे लाला चौकत्तारी की सजा मिलने दो,
माँ हमारे होते ही तुम रोती हो। माँ हम कासिम को जरूर बचाएंगे, वो हमारा भाई है। चाची अल्लाह मालिक है बेटी। आज एक बदमाश का खात्मा हो जाएगा और बहुत जल्द बंजारन और उसके दूसरे साथियों का भी यही अंजाम होगा। या अल्लाह मैं अपने किए की सजा पा रहा हूं। देखते जाओ। मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? घर और कहाँ? नहीं नहीं मैं कौन सा मुंह लेकर अपने कबीले में जाऊंगा। गुजरी हुई बातों को भूल जाओ कासिम। मुझे माफ कर दो यास्मीना। चलो बगदाद के बाशिंदो सुनो, मैं खलीफा के हुक्म से यह ऐलान करता हूँ कि जो आदमी उस बंजारन को जिंदा या मुर्दा खलीफा के सामने लाएगा उसे 10,000 दीनार का इनाम दिया जाएगा। खलीफा जिंदाबाद! खलीफा जिंदाबाद! बंजारन और उसके साथियों का खात्मा हो। बंजारन जिंदाबाद! खलीफा जिंदाबाद! मुझे मिल जाए तो क्या मजा। हाँ मेरी पहेली कोई न बूझे दुनिया जोर लगाए, जो सुन ले वो हंसता जाए जो समझे पछताए। सुनो भाई दुनिया वालों, सुनो भाई दुनिया वालों, सुन लो जरा होश संभालो, जरा होश संभालो, संभालो संभालो जरा। सुनो भाई दुनिया वालों एक दिन ख्वाब ये देखा कि मैं गुलशन में गया, देखता बाग की रौनक जो जरा आगे बढ़ा। थोड़ी सी देर में एक सिमत से ये आई सदा, एक कली ने मुस्कुरा के मुझसे फिर ये कहा। क्या कहा? एक लुटेरा शाह के दरबार में जाना चाहता था, भेष बदल कर शाही खजाना लूट के लाना चाहता था। भाई 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 लेकिन शाहों अज लेकिन शाहों जैसा उसके पास न कोई कपड़ा था। इसी फिक्र में भाई इसी फिक्र में था वो हरदम इसी बात का झगड़ा था। भाई 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 फिर क्या हुआ? फिर चला ऐसी वो चाल आ गया उसको ख्याल, ऐसा बिछाया तो जाल कर दिया उसने कमाल, हो सका न पाए माल। बातों में लगा के कपड़े चुरा के हंस के हंसा के जी चला वो झूमता और गाता हुआ। अरे मत वालो जरा होश संभालो, संभालो संभालो जरा। सुनो भाई दुनिया वालों
सारी दुनिया देख रही थी, कोई न समझा उसके ढंग। सुनने वाले भाई, सुनने वाले सुन रहे थे, हो रहे थे सारे दंग। भाई 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 भाई। अब शहजादों भाई, अब शहजादों जैसी पगड़ी और जूते का था सवाल। इस धुन में वो, अरे इस धुन में वो आगे जाकर चला दूसरी चाल। धागे टिट धागे टिट धागे टिट धागे टिट, उड़न खटोला ऊपर जाकर बन गया गोला। पकड़ ले बम बम बम, पकड़ ले बम बम बम, पकड़ ले बम बम। हाँ, सामने दुकान पर बैठा था एक बेखबर, उसकी पड़ गई नजर। देखकर इधर उधर तय किया अपना सफर। धूम मचा के, काम बना के, रंग जमा के जी रस्ते पर भाई, रस्ते पर एक जादूगर को देख के उसके पास आया। जादूगर को, जादूगर को भी उसने फिर अपना जादू दिखलाया। क्या दिखाया? करके मकर देख के चक्कर, जादू की कोई चीज उड़ाकर हो गया वो तो रफू चक्कर। देखता रह गया वो घन चक्कर। चूम चाक चूम छनक छनक चूम, चूम चाक चू छा, चूम चाक चू छा, चूम चाक चू हा। वाह भाई वाह, अच्छा जादू दिखाया, क्या कहने। आलीजा, हम जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हो? उस बंजारन की इतनी हिम्मत हो गई कि वो शाही महल की दीवारें फांद कर यहाँ आने लगी। आलम पना, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर वो अपने साथी को मौत के पंजे से छोड़ा कर ले गई। भरे बाजार में शहजादी को लूट लिया और तुम कहते हो कि जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आलीजा, मैं शर्मिंदा हूँ कि अब तक मैं कामयाब ना हो सका, मगर आज ये अहद करता हूँ कि शहजादी साहबा की शादी से पहले उस बंजारन को गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उसका सरकार के आपके कदमों में डाल दूंगा। जी आलीजा, वजीर आजम बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जाओ, चले जाओ। سلطان ابن سلطان زیشان سلطان ارسلان تشریف لا رہے ہیں۔ समंदर का शहजादा? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, समंदर का शहजादा
सुंदर का शहजादा। क्या हुआ तुझे? क्या अलीजा, ये हमारा खानदानी रिवाज है। साहिबा अपने पसंद का इजहार फरमाएंगी, यानी शाही महल की मशहूर रक्कासा फूलों का हार शहजादी साहिबा की तरफ से लेकर आएगी। वो हार जिसके गले की जीनत बनेगा वही खुश नसीब शहजादी साहिबा का शरीक जिंदगी कहलाएगा। सुल्तान आलम आप घबराइए नहीं, जब तक कि मैं जिंदा हूँ ये शादी किसी दूसरे से नहीं हो सकती। मैं वादा करता हूँ कि शहजादी आपकी है और आप ही के होकर रहेगी। ठीक है वजीर आजम, मगर आप उस वक्त तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते जब तक कि खलीफा को रास्ते से न हटा दोगे।
बिल्कुल ठीक है सुल्तान आलम, गुलाम का भी यही ख्याल है। ये तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वजीर आजम, ये समंदर का शहजादा, मैंने तो आज तक किसी ऐसे मुल्क का नाम नहीं सुना। आप फिक्र ना करें, वो समंदर तो क्या आसमान का भी शहजादा होगा, तो भी शहजादी सुल्तान आलम के महल ही की जीनत बनेगी। सुल्तान आलम, अब आप आराम फरमाएं और मुझे भी इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। अगर वजीर आजम इस साजिश में नाकाम भी हो गए तो भी अपनी कामयाबी के लिए माँ बदौलत ने एक तरकीब सोच रखी है। वो क्या है सुल्तान आलम? ये वक्त बताएगा। मैं कहती हूँ आज 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 नहीं बाप, आज कल 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 मैं कहता हूँ कल। अरे कोई देख लेगा, अगर किसी ने सुन लिया तो बिल्कुल जल्दी को देख लेगा। बस बस आज खर्च ना करो, कल इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है ठीक है। जानती हूँ मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो? सब कुछ जानती हूँ। सुनाओ। हाँ सुना। इतना हम भी जानते हैं हुस्न की सरकार को दिल में रखा है छुपाकर जान से दिलदार को। देख मैं कहती हूँ तुझे। ताहिरा, ओ ताहिरा, कहाँ गई तू? तौबा तौबा, मैं तो भूल ही गई, अब मेरी अच्छी मरम्मत होगी। मैं तो जाती हूँ बाबा। अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए चांद, तू अपनी खूबसूरती पे क्या इतरा रहा है? अब मेरी जिंदगी में भी एक चांद आ गया है। तू जानता है वो कौन? तू क्या जाने, ले मैं बताती हूँ। वो है समंदर का शहजादा। हाँ अच्छा मौका है, जाओ। तुम जाओ ना। अरे ये कैसे जाएंगे, वो तो समंदर के शहजादे से मोहब्बत करती है। गले का हार देखो। अरे कान के बुंदे देखो। जय
जगमगा रहे हैं। सनम जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम, आजा तुझे मेरी कसम। चांद मुस्काए सनम जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम, आजा तुझे मेरी कसम। प्यार की शम्मा जली दिल परवाना हुआ, दिल परवाना हुआ। दिल में एक धूम मची है, मेरे होठों पे हंसी है, जिंदगी झूम रही है। आज से तेरे सनम हो गए हम तेरी कसम, हो गए तेरी कसम। चांद मुस्काए सनम जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम, आजा तुझे मेरी कसम। बन के बहार सदा मेरे गुलशन में रहो, मेरे गुलशन में रहो। बनके करार मेरा दिल की धड़कन में रहो, दिल की धड़कन में रहो। सारी दुनिया से हंसी हो, मेरी आंखों में तुम ही हो, मेरी नस नस में बसी हो। आए ना कोई भी गम रंजो अलम मेरे सनम, आए ना रंजो अलम। चांद मुस्काए सनम जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम, आजा तुझे मेरी कसम। चांद मुस्काए सनम। ये तो बुला रही है, तू जाओ। नहीं, कान के बूंदे गले का हार। बहार में खिले हुए ताजा फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सच? हाँ। मैं एक एक घड़ी गिन रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो शहजादे? अल्लाह जानता है मेरे दिल के करार, मैं कब से तेरी तलाश में हूं। मुझे अपनी तकदीर पर नाज है जो तुम्हारे पास खींच लाई। तुम्हारी मोहब्बत के नूर से मेरी जिंदगी जगमगा उठी शहजादे। कितने खूबसूरत, कितने अच्छे हैं। वो कौन सा वक्त होगा जब ये हमेशा मेरे हाथों में रहेंगे।
अब इजाजत दो शहजादे, कहीं कोई देख न ले। अच्छा, दिल तो नहीं चाहता मगर खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मेहमानों, मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान करता हूँ, हमारी शहजादी साहिबा ने अपने सर का ताज यानी अपना शरीक जिंदगी बनाने के लिए समंदर के शहजादे का इंतखाब किया है। अब हम समंदर के शहजादे मुअज्जम की खिदमत अकदस में मुबारकबाद पेश करते हुए ये अर्ज करेंगे कि वो इस शाही खानदान के रस्म रवाज के मुताबिक आलम पनाह खलीफा मोहतरम की तरफ से अता किया हुआ अमामा पहनने के लिए तशरीफ लाएं। यहां भी देखोगी या उधर ही देखती रहोगी? हुजूर, इस गुलाम ने आपसे जो अहद किया था वो आज मैं पूरा करता हूं। है? ये तो बंजारन है। आई, बंजारन। लो। और ये है इसका साथी। जानती हो कि तुम जैसे डाकू और बंजारों का क्या अंजाम होता है? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कराकर जानवरों के आगे फेंकवा दूंगा। कहाँ रहती हो तुम? बगदाद में। बगदाद में कहाँ? मेरा कोई घर नहीं और पूरा बगदाद मेरा घर है। और डाका जनी का ठिकाना तुम जानते हो ये कौन है? ये तो औरत है आलिया। आलिया, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। जहाँ पना मस्जिद में सोते हैं, भटियार खाने में खाते हैं। ये कौन है? जवाब दो। मैं इसका बाप हूं आलिजा। ये इसका बाप ही नहीं आलमपना, बंजारन का सरदार भी है। फांसी लगा दो। जालिमों का काम है। फांसी लगा दो इन्हें। नहीं नहीं शहजादी साहिबा, ये इल्जाम है हम पर। हम बंजारे जरूर हैं लेकिन कातिल नहीं। अभी जिंदगी बाकी, क्या शहर का कोई इलाज नहीं? कोशिश बेकार है शहजादी साहिबा। बड़ा खतरनाक जहर दिया है जालिमों ने जिसका कोई इलाज नहीं है। शहजादी साहिबा, खतरनाक से खतरनाक जहर का भी उतार है। अगर कोई शातून के पहाड़ पर जाकर शजरे की पत्ती लाए और उन पत्तियों का रस निकालकर नाक और कान में डाले तो आलीजा को फिर से जिंदगी मिल सकती है। यह ठीक है मगर कौन उस खतरनाक पहाड़ के गार में जाएगा? आज तक जो भी वहां गया
वापस नहीं आया। क्या यहाँ कोई ऐसा बहादुर है जो अपने खलीफा की जान बचाने के लिए उस पेड़ की पत्तियां लाए? मैं उसके साथ शादी करूंगी जो उस पेड़ की पत्तियां लाएगा। मैं ले आऊंगी। क्या इस बहाने यहां से भागना चाहती है? शहजादी साहबा, इस बंजारन की बातों का यकीन न कीजिए। अल्लाह गवाह है, मैं कभी धोखा ना करूंगी। शर्म करो, इतने बड़े बड़े बहादुरों के होते हुए भी किसी की हिम्मत ना हुई जो सामने आए। मैं इस औरत पे भरोसा करती हूँ, इसे छोड़ दिया जाए। याद रहे, अगर चार दिन के अंदर अंदर शजरे हाथ की पत्तियां ना ला सकी तो तुम्हारे सब साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा। मंजूर है, और अगर मैं कामयाब वापस आई तो मेरे सब साथियों को छोड़ देना होगा। मैं वादा करती हूँ। तो मुझे एक तेज रफ्तार घोड़ा चाहिए। जरूर, घोड़े का इंतजाम किया जाए। ये काम रास्ते में ही खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए? अगर वो कामयाब हो गई। समझ गया। शाबाश। पहले आप सब उतर जाइए। नहीं बेटा सलीम, यास्मीन ने ऐत किया, हम खाना बदोश अपने कॉल के सच्चे होते हैं। बेटा तुम जाओ, मुझे शक है यास्मीना को खतरा है। सलीम चचा ठीक कहते हैं, हम सच्चे निगहबान हैं, यास्मीना के ऐत को पूरा करेंगे। सलीम, यास्मीना और चाचा क्यों नहीं आए? ये फिर बताऊंगा। यास्मीना खतरे में, तुम कबीले जाकर सब आदमियों को जमा करो और कल दोपहर से पहले हमले के लिए तैयार हो, समझी? अच्छा, रुमाल दे। यास्मीना पर कोई मुसीबत ना आने पाए।
सलीम, तुम यास्मीना से कितना प्यार करते हो। तुम छलांग लगाकर चली जाओ, मैं उनको संभाल लूंगा। खैर करे, सलामती की उम्मीद कम होती जा रही है। कल दोपहर के बाद खलीफा हुजूर का साया हम पर न रहेगा।
या अल्लाह मेरे अब्बा की जान बख्श दे, उस बेगुनाह बंजारन को शजरे याद की पत्तियां इनायत कर। आसरा लेकर उसी का चल रहे हैं ये जमीनों आसमां, रख जुबां पर हर घड़ी तू नाम उस अल्लाह का। आए बुजुर्ग हस्ती, खुदा के नेक बंदे मुझ पर रहम कर, मुझे उस शजरे हयात का पता बता। वहां बहुत से गए, कोई वापस नहीं आया, फिर तुम तो एक औरत हो। मगर मेरा दिल मर्द से भी ज्यादा मजबूत है। सच है, मगर तुम भी नाकाम रहोगी। तो मेरी कामयाबी के लिए आप दुआ कीजिए, उस पर कई जिंदगियों का दारोमदार है। बेटी, सच्चे बंदों पर अल्लाह की रहमत हमेशा रहती है। मैं तेरी कामयाबी के लिए उस रहीम से रहम की भीख मांगूंगा। तू कामयाब होगी और खलीफा जिंदा रहेगा। बुजुर्गो बरतर, आप सब कुछ जानते हैं, मेरी मदद कीजिए। घबराओ नहीं बेटी, हजारों मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। खुदा का नाम लेकर आंखें बंद करो। जादुई नगरी की मलिका हूँ। मेरे दुश्मन सामरी जादूगर ने अपने जादुई जोर से मेरी ऐसी हालत बना रखी थी। खुदा की कोई नेक और ईमानदार हस्ती ही मुझे अपनी असलियत पर ला सकती थी, और वो नेक हस्ती तुम हो। कहो, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं शजरे हयात की पत्तियां लेने आई हूँ, उन पर कई जिंदगियों का दारो मदार है। अच्छा, शुक्रिया।
मगर वक्त बहुत कम है, मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? आप घबराइए नहीं, मैं इसका भी बंदोबस्त किए देती हूँ। ये लो उड़न खटोला, इस पर बैठ जाओ, ये तुम्हें वक्त से पहले पहुंचा देगा। खुदा हाफिज। सुनो, उड़न खटोले पर कदम रखते ही घोड़ों में जान आ जाएगी, रास थामते ही ये उड़ना शुरू हो गए और कामयाबी के बाद ये उड़न खटोला गायब हो जाएगा। या अल्लाह रहम कर, अब तो चंद घंटों की आस बाकी रह गई है। दगाबाजों से क्या उम्मीद हो सकती है? रब्बुल आलमीन, लाचार की दुआ कबूल कर, बंजारन को कामयाब लौटा दे। आजाद रहेंगे, हम दुनिया में आजाद रहेंगे, या लड़कर मर जाएंगे दुश्मन की ताकत से डर कर, दुश्मन की ताकत से डर कर, सर ना कभी झुकाएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, आजादी का नारा है ये सामने गद्दारों के, आजादी का नारा है ये सामने गद्दारों के, रोके से हम रुक नहीं सकते दुश्मन की तलवारों से, तूफानों से टक्कर लेंगे, तूफानों से टक्कर लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, जालिम को अपनी हिम्मत से नीचा आज दिखाना है, जालिम को अपनी हिम्मत से नीचा आज दिखाना है, जुल्म सितम की दीवारों से अपना सर टकराना है, की दीवारों से अपना सर टकराना है, अपने हाथों से हम अपनी, अपने हाथों से हम अपनी बिगड़ी आज बनाएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, आजादी की कीमत हो कर जान खुशी से दे देना, आजादी की कीमत हो कर जान खुशी से दे देना, सोने के अंबार अगर हो साथ गुलामी ना लेना, सोने के अंबार अगर हो साथ गुलामी ना लेना, आने वाली दुनिया को ऐसे जीना सिखलाएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, चाहे जमाना साथ न दे अपनी मंजिल पर जाएंगे, चाहे जमाना साथ न दे अपनी मंजिल पर जाएंगे, रास्ते की हर मुश्किल को अब खातिर में ना लाएंगे, रास्ते की हर मुश्किल को अब खातिर में ना लाएंगे, जिंदा रहने की खातिर अब, जिंदा रहने की खातिर अब मौत से हम टकराएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, हम दुनिया में आजाद रहेंगे, या लड़कर मर जाएंगे दुश्मन की ताकत से डर कर, सर ना कभी झुकाएंगे। हम दुनिया में आजाद रहेंगे, मुझे तेरी रहमत पर पूरा भरोसा है, उस बंजारन की मदद कर, उसके नाने से बेगुनाह मारे जाएंगे।
बंजारन। हमें धोखा देकर वो अपने साथी को भी कैद से छुड़ा ले गई। मैं जानता था कि वो नहीं आएगी। वो आएगी, अपने ईमान और उसकी सच्चाई पे मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, तो ये बात है। शहजादी साहबा, वो देखिए बंजारन आ गई। उड़ा दो गर्दन। ठहरो, बंजारन आ गए। मेरी बेटी अब्बा जान। अब्बा जान, यास्मीना तू आ गई। हाँ अब्बा जान, मैं शजरे हयात की पत्तियां ले आई हूँ। शाबाश बेटी। बंजारन, बंजारन तुम कामयाब आई हो। बंजारन। हाँ शहजादी साहिबा, ये है शजरे हयात की पत्तियां। अब देर नहीं करनी चाहिए शहजादी साहिबा। हाँ हाँ, जल्दी आइए। सब तस्वीरें खत्म हो गईं, हमारी तमाम साजिशें नाकाम हो गई। अभी नहीं। सुल्तान आलम बिल्कुल सही फरमाते हैं। तेरा ही सहारा है। मैं कहाँ हूँ? अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, खलीफा जिंदा है। अरे खुदा ने हमारी सुन ली। बेटा, हैं? ये लोग अभी तक जिंदा हैं? अब्बा जान, बंजारा ने तो आपको दोबारा जिंदगी दिलाई है। किसी दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। जहर? किसने दिया था मुझे जहर? तगाबाज गतारो, तुम ही लोगों ने अब्बा जान को जहर भी दिया होगा। मुस्कुराते हुए फूल, तेरे ही लिए मैंने ये सब कुछ किया है और तुम ही मेरी जिंदगी हो। तू राशादार, तू इंसान नहीं दरिंदा। ओह, नमक हराम वजीर, क्या यही तूने मेरे नमक का हक अदा किया है? Oh!
ये मेरा मुजरिम है, मैं इसको सजा दूंगा। ये तुझे कहां से मिला? ये मेरे अब्बास से पूछो। छोड़ दो इसे, जा। बंजारे, सच बताए तामीज इसके गले में कहां से आया? तेरा बाप नहीं, ये है। अब्बा जान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तू वही? हाँ, मैं वही गुनेगार हूँ और यास्मीना भी वही बच्ची है जिसे मैंने सांप से बचाया था। इसकी कलाई पे अब भी वो दाग मौजूद है। मेरी बच्ची यास्मीना, जवानो गिरफ्तार करो उसे। दरवाजा जल्दी बंद कर दो। जिंदगी चाहते तो दरवाजा खोल दो। जिंदगी प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हक होगा जो खलीफा का हुआ है। हत्यारों की सजा मौत है, देखते क्या हो, कर दो हमला। वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है वजीर आजम। ले जाओ इन सबको और जल्लाद के हवाले कर दो। ले जाओ सबको। चलो, 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 चल
बहादुर खाना बदोश हो, आज न सिर्फ हम ही तुम्हारे एहसान मंद हैं बल्कि बगदाद की अजमत भी कयामत तक तुम्हारी बहादुरी के गीत गाती रहेगी। हम दिल से चाहते हैं कि आप जैसे बहादुर हमेशा हमारे साथ रहें। हाँ लुटेरन, लुटेरन न कहो, हमने लूट मार से तौबा कर ली है क्योंकि ईमान की ताकत ने हमारी आंखें खोल दी हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। नहीं शहजादी, आजाद फिजाओं में रहने वाले आजाद फिजाओं में ही खुश रह सकते हैं। जहांपनाह, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो। कह रही है ये जमीन, कह रहा है आसमां, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां। जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां, ये जिंदगी का कारवां। है राह में गाड़ी के पहिए जिस तरह, आदमी की जिंदगी भी चल रही है इस तरह। चलती रहेगी ये जमीन, चलता रहेगा आत्मा, रुक नहीं सकता कहीं ये जिंदगी का कारवां।